बहुत पहले से उन कदमों की आहट से उन कदमों की आहट जान लेते हैं तुझे ऐ जिंदगी, हम दूर से पहचान आदाब, मैं हूँ रुबीना अख्तर और आज मैं आपको ले चलूंगी फिराक के दौर में। इश्क का अनोखापन, इरफान की तहदारियाँ और खाक हिंद की भीनी भीनी खुशबू को जमा कर दिया जाए तो फिराक गोरखपुरी की शायरी का रूप बनता है। मशरकी उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर की सरजमी को इस अजीम शायर का वतन होने का फख्र हासिल है। इसी धरती पर 28 अगस्त 1896 ईस्वी को रघुपति सहाय फिराक ने कदम रखा। जिंदगी का जिंदगी होना कयामत है फिराक, जिंदगी का जिंदगी होना कयामत है फिराक, उफ ये दर्द बेनिहायत, ये निशात बेकरा। फिराक ने गोरखपुर और इलाहाबाद में तालीम पाई। उनके वालिद शायर थे, लिहाजा उन्हें अपने वालिद से ही तबीयत की मौजूनियत वरासत में मिली। 1920 ईस्वी में उन्होंने शायरी शुरू की और इसके साथ आज़ादी वतन की तहरीक में कूद पड़े। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू उनके रहनुमा थे और उन्हीं की रहनुमाई में वो जेल भी गए। वो आगरा जेल में कैद हुए जहां अदबी महफिलें भी सजा करती थीं। यहां जेल की मशक्कत के साथ साथ मश्क सखन का सिलसिला जारी रहता। फराक ने एक तरह नशिस्त में कहा, अहले जिंदा की ये महफिल है सबूत इसका फिराक, अहले जिंदा की ये महफिल है सबूत इसका फिराक, कि बिखर कर भी ये शीराजा परेशान ना हुआ। फिराक ने जेल में रहते हुए कई अदबी मजामीन भी लिखे। इसके बाद उन्हें लखनऊ जेल मुंतकिल कर दिया गया। वो लगभग 1.5 साल तक कैद बंद में रहे। फिराक जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी के अंडर सेक्रेटरी बने और इलाहाबाद में रहने लगे। तब मौलाना मोहम्मद अली जौहर कांग्रेस के सदर थे और आज़ादी की जिद्दोजहद अपने शबाब पर थी। फिराक ने तकरीबन 4.5 साल तक अंडर सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। उसके बाद क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ और सनातन धर्म कॉलेज इलाहाबाद में पढ़ाने लगे। फिराक बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के लेक्चरर भी बने। वो अंग्रेजी के उस्ताद के तौर पर यहाँ एक मुद्दत तक रहे। फिराक की शायरी में वुसअत और गहराई है। उनके यहाँ कई कीमती खजाने हैं, जिंदगी का तजुर्बा, मजहब व तहजीब का हसीन इम्तजाज, नफ्सियाते उलझने, रात की वीरानी और जिंदगी की तन्हाई का दर्द। इन सब के खुशगवार इम्तिजाज ने तगज़ुल का हसीन रूप इख्तियार कर लिया। मैंने इस आवाज को मरमर के पाला है फिराक, मैंने इस आवाज को मरमर के पाला है फिराक, आज जिसकी नरम लौ है शम में मेहराब हयात। फिराक को उनकी अदबी खिदमात के एतराफ के तौर पर कई कौमी और बैन अल-अक़वामी एजाजात मिले, जिनमें साहित्य एकेडमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, स्वेत लैंड अवार्ड, गालिब अवार्ड और पद्म भूषण शामिल है। फिराक गोरखपुरी उम्र के आखिरी हिस्से में अक्सर बीमार रहते थे और इस पर मुस्तजाद तन्हाई का दर्द 3 मार्च 1982 को, जबकि वो दिल्ली में इलाज के गर्ज से आए हुए थे, यही इंतकाल हुआ। मगर उनकी आखिरी रसूमात इलाहाबाद के संगम पर अदा की गई। रफ़ी के ज़िंदगी अब अनी से वक्त आखिर है, रफ़ी के ज़िंदगी अब अनी से वक्त आखिर है, तेरा ए मौत हम ये दूसरा एहसान लेते हैं। इसी के साथ आप सभी से इजाज़त लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया। नेक्स्ट एपिसोड में और एक खूबसूरत
शायर के साथ, उनकी शायरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।